यार ये कोरोना वायरस तो मतलब पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। जहाँ भी जाओ कुछ कुछ, आप कुवैत जा रहे हो तो कुवैत जाने के पहले आपको कराना पड़ेगा ये मेडिकल टेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस हैविंग एन अमेजिंग डे। माय नेम इज़ मुनाफ और मैं हूँ बॉम्बे में। अभी फ़िलहाल तो छुट्टी ख़त्म होने के लिए है, बट देर आर सम 10 days रिमेनिंग। सो मुझे अभी ये पता चला है कि बिफोर गोइंग टू कुवैत यू हैव टू गेट दिस मेडिकल सर्टिफिकेट विच इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस। अगर कोरोना वायरस का टेस्ट अगर आपके पास होगा तो वो आप एयरपोर्ट पे दिखा सकते हो। दैट यू डोंट हैव एनीथिंग तो आपको एंटर करने मिलेगा कुवैत। एंड तो अभी मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। देर इज़ वन एंड ओनली डॉक्टर अवेलेबल विच इज़ इन बॉम्बे सो फार। द नेम ऑफ द हॉस्पिटल इज़ कस्तूरबा हॉस्पिटल विच इज़ लोकेटेड इन चिंच पोकली। सो वहाँ पे जाके फ़िलहाल तो देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल आई डोंट वांट टू टेल यू गाइस एनीथिंग अबाउट दिस, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। सो आई एम गोइंग चिंच पोकली नाउ एंड लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलते हैं एंड व्हाट वी गेट द अपडेट। सो स्टे ट्यून। अभी थे चिंच पोकली में तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गो बोरा बाज़ार, बिकॉज मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग बोरा बाज़ार। मुझे एवरी थिंग इज़ क्लोज, एज यू गाइस कैन सी हियर, सब बंद है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखोगे अगर छोटी मोटी दुकानें वो चालू है। काफ़ी पुलिस का प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे, लाइक पुलिस इज़ एवरीवेयर। पर जैसे मैंने एंटर किया है अभी, आई एम नियर टू सी एस टी। ये ब्रिज देख रहे होगे आप लोग, इट्स सी एस टी ब्रिज। तो यहाँ पे अभी तो मुझे फ़िलहाल सब कुछ ओपन दिखाई दे रहा है। अदर देन टाउन एवरीथिंग इज़ क्लोज। यहाँ पे वैसे की वैसी गर्दी है, एवरीवन इज़ आउटसाइड रोमिंग हियर एंड देयर, नथिंग हैज़ चेंज्ड। यहाँ पे किसी को कोरोना वायरस का खौफ है नहीं। अगर आप लोग देखोगे मेजॉरिटी लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं किसी ने भी, बिकॉज मास्क अवेलेबल ही नहीं है अभी। लाइक 3-4 लोग हो गए आउट ऑफ 10 जिन लोगों ने मास्क पहना है। इवन एट द एयरपोर्ट मैंने मास्क चेक किया, वो भी आउट ऑफ स्टॉक था। सो मिल चुका है हम लोगों को ट्राईपॉड, बोरा बाज़ार जाने के पहले ही मिल गया, इट वॉज जस्ट बिफोर दैट। और अभी इतना नज़दीक आके मरीन ड्राइव के, तो सोचा चलो मरीन ड्राइव भी चला जाए। एंड दिस इज सी एस टी फोर्ट, सी एस टी स्टेशन हमारा। ये अभी हम लोग पहुंच गए सी एस टी और सिग्नल पे, सिग्नल लगते हुए यहाँ पे। अरे अंकल चल के चले जाओ ना, यहाँ पे आने वाले थे हम लोग, बट ट्राईपॉड जो कि पहले ही मिल चुका है। सुनो बोरा बाजार यहाँ से अंदर आता है, तो अभी मरीन ड्राइव के लिए लेंगे आगे से राइट। तो ये हम लोग आ गए थोड़ा सा मरीन ड्राइव के आगे, एंड जस्ट लुक एट द व्यू, क्या धमाकेदार व्यू है भाई साहब। और अभी आगे है गिरगांव चौपाटी, वहाँ पे जाएंगे पहले। सो यस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, एज यू गाइस कैन सी हियर। एंड ये सब जगह भरी रहती थी लोगों से, लोग यहाँ पे बैठे रहते थे, चिल आउट करते थे अपना। बट राइट नाउ नो वन इज देयर, एज यू गाइस कैन सी, सिर्फ इक्का दुक्का लोग है। No one is again wearing mask here. तो कूड़े को कूड़ेदान में डालो, उसे ढूंढ के डालना कहीं पे जहाँ पे भी होगा। तो now let's go to Marine Drive first and उसके आगे की बात आगे। ये है Marine Drive, beautiful memory capture करना है हम लोग यहाँ पे। यहाँ का दिन का नज़ारा तो इतना खूबसूरत है और रात का तो इससे भी और खूबसूरत होता है। When everything lights up, oh my god, बहुत ही उम्दा दिखाई देता है ये। एंड इसकी खासियत है इसके स्टोन्स जो नीचे है, अनफॉर्चुनेटली आई के नॉट शो यू दैट, बट आप लोगों को पता ही होगा उसके बारे में। यहाँ पे ड्राइव करना भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, मज़ा है। एंड एट दिस टाइम व्हेन देयर इज़ नो ट्रैफिक और मज़ा आता है एक्चुअली। सो ये पहुँच गए हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया, आप लोग देख ही सकते हो, मेरे ख्याल से खुला है ये। नो पार्किंग, अंदर जाएंगे हम लोग शायद से।
काफ़ी कम पब्लिक यहाँ पे मैंने पहली बार देखी है यार, रहने की भी जगह नहीं होती है एंड कितना क्लीन यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा है। तो ये है वो मॉन्यूमेंटल ताज होटल यहाँ पे 26/11 हुआ था। एक वक्त था हम लोग यहाँ पे आते थे ना, इतनी गर्दी फेरी के लिए लाइन लगती थी, और आज देखो ये सब बोट जाती है अलीबाग एंड एलिफेंटा जो अभी फिलहाल इसी खड़ी है। ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं फोटोग्राफी लेवल, इतनी तकलीफ, गजब फोटोग्राफी लेवल है इन लोगों का, कितनी मेहनत करके फोटो निकालते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। इतना टाइम किसके पास है, अगर आप लोग ने पढ़ लिया तो मुझे भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना इसके बारे में। फिलहाल तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, पिक्चर्स क्लिक करते हैं दो चार, अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेना। आज का टूर गेटवे ऑफ इंडिया, आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। एक ऐसी अनप्लान ट्रिप थी हमारी, जो कि अनप्लान ट्रिप तो प्लान नहीं होती है, हाँ वही तो है, काम के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे, तो सोचा क्यों ना हल्का फुल्का मुंबई दर्शन हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है, लाइक करके जाना है इस वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है मेरे चैनल को। बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ कोई अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, पीस आउट।